अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर चले कि हरमैन शरीफ मक्का से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा गया है कि काबतुल्ला की छत पर कुछ मशीनें इधर उधर चक्कर लगा रही हैं। जब इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा तो इस वीडियो के बारे में बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय थी। दरअसल दोस्तों, ये जदीद टेक्नोलॉजी के रोबोट्स हैं जो काबतुल्ला की छत पर सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं ताकि काबतुल्ला शरीफ की छत फक्तन बवक्तन साफ होती रहे। वीडियो में जिन रोबोट्स को आपने काबतुल्ला की छत पर देखा, इसे जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये रोबोट्स चार्ज होते हैं जो लगातार 3 घंटे तक काम करते रहते हैं। ये नज़ारा जो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, ये काबतुल्ला की छत का नज़ारा है जहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इन रोबोट्स को देखने के बाद कुछ लोगों का ये भी कहना था, जो काम इंसान कर सकता है वो काम रोबोट नहीं कर सकता, इसलिए ये ड्यूटी रोबोट्स को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि काबतुल्ला शरीफ की सफाई एक ऐसी सादत है जिसे हर एक मुसलमान हासिल करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि इन रोबोट्स को सिर्फ छत पर ही यूज किया जाएगा, ये काबतुल्ला शरीफ के इर्द गिर्द भी सफाई करने के लिए इस्तेमाल होंगे। दुनिया में कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो सारी उम्र सिर्फ एक ही दुआ करते हैं कि उन्हें काबतुल्ला शरीफ के फर्श को धोने और उसे सफाई करने का मौका मिले, लेकिन लगता है कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये काम भी रोबोट्स करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या काबतुल्ला शरीफ की सफाई के लिए रोबोट्स होने चाहिए या फिर इंसान? हमें अपनी कीमती राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।